नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं तरुणा रूप करेंगे खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग में मुख्य बाजार स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि चालक वाहन को बैक कर रहा था, इसी दौरान बुलेरो वाहन पुलिया में लगी रेलिंग को तोड़कर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। उस वक्त बुलेरो वाहन में केवल एक व्यक्ति ही मौजूद था, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस अधिकारी KN पुरोहित ने बताया कि बुलेरो मैक्स वाहन को पेट्रोल पंप का कर्मचारी बैक कर रहा था, उसी दौरान बुलेरो वाहन अनियंत्रित होकर 30 से 40 मीटर नीचे खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति का नाम मनोज रावत बताया जा रहा है, जिस पुलिस द्वारा तुरंत जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करा दिया है। ये असल में रुद्रप्रयाग में जो बद्रीनाथ वाली रोड है, उस पर जो पेट्रोल पंप पड़ता है उसके पास एक छोटी सी डाट पुलिया है। ये डाट पुलिया से ये गाड़ी नीचे गिरी है, और इसमें जो जानकारी मिली है मौके पर जाकर के, तो ये कोई बुलेरो मैक्स गाड़ी है और ये टैक्सी नंबर की है, और वर्तमान में ये जल संस्थान में रुद्रप्रयाग में अनुबंधन पर लगी हुई है। और इसका ड्राइवर यहाँ पे बता रहा है कि मेरे द्वारा यहाँ पे हवा भरने के लिए मैं आया था पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप मेरे द्वारा स्वयं हवा भरी गई गाड़ी में, और एक पेट्रोल पंप का कोई कर्मचारी है मनोज रावत करके, और वो पहले से जानते भी हैं एक दूसरे को। तो वो उन्होंने जो है गाड़ी में बैठ कर उनकी चाबी गाड़ी में लगी हुई थी, और इनका कहना है कि इन्होंने गाड़ी अचानक स्टार्ट की और मैं भी गाड़ी में नहीं बैठा था, इन्होंने गाड़ी बाहर निकाली मेन रोड पर, और ये आगे एक्सीलेटर की जगह शायद मतलब ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पड़ गया, कुछ ऐसे बता रहे हूँ, और ये गाड़ी जो है डिसबैलेंस होकर मतलब कंट्रोल से बाहर होगी और पुल की रेलिंग तोड़ करके नीचे खाई में गिर गई।